हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ फैशन योर चेतना। एंड आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मीशो ज्वेलरी हॉल एंड मीशो ज्वेलरी कलेक्शन, आई कैन से। सो इस वीडियो के अंदर जो भी ज्वेलरी मैं आपको दिखाऊंगी वो बिलो 200 है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी आई है, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आई है। और इसमें पर्ल, कुंदन एंड गोल्ड टोन एंड ऑक्सीडाइज सारी ज्वेलरी मिक्स है। सो इनकी क्वालिटी लेके कोई भी इशू नहीं है, बहुत ही गुड क्वालिटी के आए हैं। एंड मीशो एक इतना रिजनेबल ऐप है कि आप वहाँ से साड़ी लो चाहे कुछ भी लो। आपने मेरे रिसेंट हॉल भी देखे होंगे तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। लाइक आपको अंडर 500 भी आप कुछ भी खरीदोगे तो आपको फुल्ली सेटिस्फेक्शन मिलता है। सो उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है। उस पर अलग अलग सेलर होते हैं और अलग अलग सेलर होने के बाद भी वो प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी देते हैं। सो फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। सो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं एक ज्वेलरी हॉल बना दूँ मीशो से रिलेटेड, कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। अभी वेडिंग सीजन तो है, बट जो करंट सिचुएशन है हमारी कंट्री की, उसमें लोग बाहर नहीं जा रहे, घर पे बैठे हैं। बट स्टिल आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप एक रिजनेबल प्राइस में अगर ज्वेलरी कलेक्शन देखना चाह रहे हो तो वो आपको मिल सकता है। ताकि जब भी हमारी सिचुएशन कंट्री की अच्छी हो तब आप एक रिजनेबल प्राइस में मीशो से ज्वेलरी खरीद सको। सो ये मेरा पर्पस है। एंड घर पे रहो, बाकी सेफ रहो। सो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि मैंने कौन कौन सी ज्वेलरी परचेज करी है। सो सबसे पहले मैं आपको एक ज्वेलरी दिखाने जा रही हूँ जो कि पर्ल एंड स्टोन एंड कुंदन मिक्स ज्वेलरी है। सो आपको ये देख के लगेगा कि 300-400 की ज्वेलरी होगी। इवन आप दूसरी वेबसाइट पे अगर इसको ट्राई करोगे तो उसका जो प्राइस है वो 300 से नीचे आपको नहीं मिलेगा। बट मीशो पे मैंने इसको 190 में परचेज किया है। सो इसके पर्ल की क्वालिटी जो शाइन आ रही है वो बहुत ही गुड क्वालिटी का, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। पर्ल का जो डिज़ाइन है या पर्ल का जो प्लेटेड है वो हट जाएगा, बहुत ही गुड क्वालिटी का एंड शाइन क्वालिटी का पर्ल डिज़ाइन है। और इसका जो स्टोन एंड इसका जो कुंदन और इसका जो डायमंड का टचअप है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब फुल्ली वेल डिज़ाइन ये हार सेट है, जिसके साथ में आपको मिलते हैं बहुत ही गुड क्वालिटी के इयररिंग्स जिसपे डायमंड एंड स्टोन आता है, जिसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। कोई इयररिंग्स मिलते हैं इसके साथ में, पूरा नेक सेट मिलता है। तो इस टाइप के जो ब्यूटीफुल हार सेट होते हैं उनको आप साड़ी के साथ में या क्रॉप टॉप के साथ में विथ लहंगा चोली भी आप स्टाइल करोगे तो बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। सो आपको एक 200 के अंदर एक बहुत ही रिजनेबल क्वालिटी की हार सेट, बहुत ही रिजनेबल क्वालिटी का हार सेट मिलता है जो टोटली वर्थ है। सो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। एंड इसमें जो ग्रीन एंड वाइट कलर का और पर्ल का जो मिक्सअप है जो कि हर ड्रेस के साथ बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है, वो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। यू नो, ग्रीन एंड वाइट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आप किसी भी टाइप की ड्रेस या किसी भी इंडियन आउटफिट के साथ अगर आप वियर करोगे तो बहुत ही गुड क्वालिटी का जाने वाला है। तो आपको बहुत ज़्यादा ज्वेलरी खरीद के रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो स्पेशली मुझे ये ज्वेलरी बहुत अच्छी लगी। चाहे आप राजपूती ड्रेस के साथ पहनो, चाहे आप साड़ी के साथ पहनो, चाहे आप लहंगा चोली के साथ पहनो, सबके साथ ही बहुत ही अच्छा जाने वाला है। नेक्स्ट जो मैंने ख़रीदा है वो एक पर्ल डिज़ाइन का मल्टी लेयर नेकलेस है जो मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था। इस टाइप के नेकलेस यू नो आप साड़ी के साथ में स्टाइल करोगे तो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। सो मुझे इस टाइप का लॉन्ग मल्टी लेयर नेक पीस चाहिए था। तो इसका क्वालिटीज़ का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छा आया है। 174 मैंने इसका पे किया है। और यू नो इसके पर्ल में इतनी अच्छी खासी शाइन है कि बिल्कुल भी चीप क्वालिटी का नहीं लग रहा है। जैसे कि इसका प्राइस है तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा चीप क्वालिटी का होगा, नहीं, बट बहुत ही गुड क्वालिटी का है। एंड इसके पर्ल में भी थोड़ा वेट है, थोड़ा सा हैवी लुक देता है ये। और इसका क्वालिटी एवरीथिंग बहुत ही अच्छा है। और ये एडजस्टेबल है फुल्ली, तो आप इसको लॉन्ग या शॉर्ट जैसे चाहो वैसे स्टाइल कर सकते हो। वैसे मैं आपको वियर करके दिखाऊंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। बट ट्रस्ट मी गाइस, 174 अगर आप मार्केट में ट्राई करोगे तो ये 250-300 की रेंज में आपको मिलेगा। एंड अदर वेबसाइट पे भी आप ट्राई करोगे तो बहुत ही ज़्यादा हाई मिलने वाला है, बट मीशो पे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में ये मिल गया है। तो मैं आपको इसको स्टाइल करके दिखाऊंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप इसको किस टाइप से वियर कर सकते हो।
कमिंग टू द नेक्स्ट सेट जो कि मैंने साउथ इंडियन साड़ी पर पहनने के लिए लिया है. सो बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये हार सेट है गोल्ड प्लेटेड का. और ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप इसको वियर करोगे तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये गोल्ड है. मतलब सामने वाले को ऐसे लगेगा कि आपने गोल्ड का हार सेट पहन रखा है. और उसके साथ में जो आपको इयररिंग मिलते हैं वो भी बहुत ही गुड क्वालिटी के, बहुत ही स्टड इयररिंग आपको मिलते हैं. इस टाइप का हार सेट है और इसके साथ में आपको इस टाइप से सेम डिज़ाइन के सेम डिज़ाइन के इयररिंग्स मिलते हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है. यू नो, आप साउथ इंडियन साड़ी के साथ में अगर इस टाइप की हार सेट को वेयर करोगे तो बहुत ही अच्छा लुक आपका आने वाला है. मुझे ट्रस्ट में बहुत लाइट वेट लगा, बहुत ही खूबसूरत लगा. एंड प्राइस जस्ट 350 रुपीज़ और 450 रुपीज़ आई पेड. सो ये ओनली वन हार सेट है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बहुत ही, बट ये एक ही सिंगल हार सेट है जिसको मैंने 200 से अबाव परचेस किया. ये अभी मैंने रिसेंटली परचेस नहीं किया, इसको मैंने 3 to 4 months पहले बाय कर लिया था बट मैंने आपको दिखाया नहीं था. सो ये भी मीशो से है. सो आई गेस कि अगर मैं मीशो ज्वेलरी सेट का एक हॉल करने जा रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ. एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप सेम हार सेट अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड नायका पे ट्राई करोगे तो ये 650 की रेंज में आपको सेम पीस मिलेगा. सो दिस इज़ सो अफोर्डेबल और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ये हार सेट है जो मुझे मिला है. सकते एंकलेट बोल सकती हूँ. सो ये ब्लैक कलर के पर्ल में एंड इस टाइप से ऑक्सीडाइज कलर में आपको मिलता है, जिसमें आपको इस टाइप से थोड़ा सा बटरफ्लाई जैसा, सिंगल बटरफ्लाई जैसा डिज़ाइन मिलता है. लाइक ये क्यून टाइप की एक लेडी बनी हुई है. सो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा मुझे एंड प्राइस जस्ट 127 रुपीज़. सो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगता है अगर आप एंकल लेंथ की कोई लेगिंग वेयर कर रहे हो, या आप अगर स्कर्ट वेयर कर रहे हो, या बीच एरिया पे जा रहे हो, या कुछ भी एंकल साइज़ का या कुछ भी शॉर्ट अगर चीज़ आप वेयर कर रहे हो ड्रेसअप में, तो उसके साथ में ये एंकलेट वेयर करोगे तो बहुत ही सुंदर जाने वाला है. प्राइस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है क्वालिटी के अकॉर्डिंग. सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. तो हार सेट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. ये मिरर वर्क का ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का ये नेक पीस है, या चोकर आप बोल सकते हो. सो इसको आप एज ए चोकर आप वेयर कर सकते हो. सो बहुत ही ब्यूटीफुल है ये और इसकी क्वालिटी एवरीथिंग बहुत ही अच्छी आई है. और इसका प्राइस मैंने पे किया 191 रुपीज़, जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है. और इसके साथ में आपको सेम मिरर वर्क के ही इयररिंग्स मिलते हैं जो कि बहुत ही अच्छे खासे लॉन्ग इयररिंग है. इस टाइप के मिरर वर्क के चोकर को आप लहंगा चोली जो सेट होते हैं गरबा में वेयर करते हैं उसके साथ में भी वेयर कर सकते हो, नहीं तो कोई भी कॉटन साड़ी के साथ में आप वेयर करोगे तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है. या फिर आप इसको लॉन्ग स्कर्ट एंड क्रॉप टॉप के साथ में भी स्टाइल कर सकते हो. सो बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है. और इस टाइप की अगर चोकर आप ट्राई करोगे अदर वेबसाइट पे, सो 250 की रेंज में आपको मिलने वाला है. सो 191 रुपीज़ में अगेंस्ट दिस इज़ सो अफोर्डेबल. सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीशो पे बहुत ही गुड क्वालिटी की ज्वेलरी मिलती है एंड बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल मिलती है. सो आप भी ट्राई कर सकते हो वहाँ पे. था मेरा एक मीशो हॉल. और एक चीज़ मैं बता दूं कि मीशो से जो भी आपको ज्वेलरी रिसीव होती है वो इस टाइप की आपको बबल रैप एंड प्लास्टिक बॉक्स के साथ में मिलती है, और ऊपर से जो भी
पार्सल की पैकिंग होती है वो मिलती है। सो बहुत ही सेफली ये पैक करके आपकी ज्वेलरी भेजते हैं, तो कोई भी वो चांसेस नहीं होते हैं कि आपकी ब्रोकन ज्वेलरी मिल जाएगी। सो ये पार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि सारे प्लास्टिक बॉक्स के अंदर आते हैं ताकि आपको फ्यूचर के लिए भी सेफली से आप अपनी ज्वेलरी को रख सको। सो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। सो ये एक छोटा सा मीशो ज्वेलरी कलेक्शन हॉल था। और भी ज्वेलरी आप मीशो पर ट्राई कर सकते हो। अगर आप देखना चाहते हो कि मैं और मीशो का ज्वेलरी कलेक्शन लाऊँ या अदर किसी वेबसाइट का ज्वेलरी कलेक्शन लेके आऊँ, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली कम विद अनादर ज्वेलरी हॉल गाइज, एंड आई होप फिलहाल के लिए ये ज्वेलरी हॉल आपका अच्छा लगेगा। कैसा लगा नीचे कॉमेंट करके बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना गाइज। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, एंड अगर आप मुझे जानते हो बहुत अच्छे से तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो गाइज। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, बाय बाय।